हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कंचन और वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाली हूं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप्स इन आवर जनरेशन। इट्स लाइक दिस इज सो कॉमन टू एवरीबॉडी टू हैव ए फिजिकल रिलेशनशिप। दे थिंक दैट इट इज़ अ नीड फॉर आवर बॉडी, वेदर बींग ए गर्ल और वेदर बींग ए गाय। सबको यही लगता है कि ये बस एक ह्यूमन नीड है, गेटिंग फिजिकल बिफोर मैरिज। इट इज़ सो कॉमन। आई विल टेल यू, गेटिंग फिजिकल विद सो मेनी पीपल विल मेक यू अनहैप्पी। आई गोना गिव यू द रीज़न व्हाई। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मोरालिटी, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट आर इंडियन कल्चर। इट इज़ स्पेसिफिकली लॉजिक बिहाइंड दिस आई विल टॉकिंग अबाउट, कि ये चीज़ क्यों होनी चाहिए और ये चीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमारी बॉडी ना फिजिकल मेमोरी क्रिएट कर लेती हर उस बंदे के साथ, इवन विद द हेल्प ऑफ हैंड शेक, इवन विद द हेल्प ऑफ हग, इवन वी किस समबडी ऑन चीक, आर बॉडी क्रिएट्स ए फिजिकल मेमोरी विद द अनदर पर्सन, राइट। इसमें क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। इफ़ यू गो दिस सो फार, इफ यू क्रिएटिंग ए फिजिकल रिलेशनशिप विद एनी बॉडी, दैट बॉडी आस्क यू फॉर द मेमोरी अगेन एंड अगेन, वो फिर बॉडी की उसकी नीड हो जाती है एंड दैट मेमोरी विल बी विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो अगर आप एक से ज़्यादा इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो, दैट मीन्स आप सोचो कि आप उस इंसान के साथ किस एक्सटेंट तक जुड़ जाते हो। इट इज़ यू फॉन्ड ए डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड विद दैट पर्सन। अगर आप उस इंसान के साथ इस हद तक जुड़ जाओगे तो आप अपने लाइफ में भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, अपने सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, अपने पार्टनर के साथ नहीं रहोगे। इवन जब आप अपने लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे किसी के भी साथ, तो वो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे, राइट। लास्टली, हम लोग कोई कैट्स और डॉग्स तो है नहीं कि हर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, राइट। आई एम गोना गिव यू द सर्टन एग्जांपल ऑफ दिस हाउ फिजिकल मेमोरी वर्क्स। जब भी मेरे पापा खाना खाने आते हैं, ही हैज़ वन फिक्स प्लेस ऑन अ टेबल, सो ही हैड ए काइंड ऑफ यू नो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। लेकिन उसके साथ एक फिजिकल मेमोरी जो है वो अटैच हो चुकी है, उसके अराउंड एक ऑरा क्रिएट हो चुका है, एंड ही लव्स टू सीट ऑन दैट प्लेस, ही डजंट वांट टू सीट एनी अदर प्लेस, राइट। उनको वहीं पे खाना पसंद है जहाँ पे वो हमेशा बैठ के खाना खाते हैं। लाइक दिस, इफ़ वी टच और फील एनी थिंग विच इज़ सो मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट दैट क्रिएट्स ए फिजिकल मेमोरी, यू नो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, human being, whatever you say. Like this, if we keep creating certain physical memory with another person, we give them authority कि वो हमें कभी भी hurt कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारी body में इतने सारे emotions एक साथ create हो जाते हैं जिसकी हमारी body को need ही नहीं होती है। इसलिए इंडिया में नमस्ते का rule बनाया गया है, ताकि हमारी जो body है इतनी easily दूसरों के लिए vulnerable ना बने। अगर हम इतनी ईजीली किसी पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट करते हैं, दैट मीन वी गिव देम अथॉरिटी कि वो हमें कभी भी हर्ट कर सकते हैं। आप एक मेमोरी क्रिएट करा देते हो अपने अंदर। दीज आर द सर्टन थिंग्स विच आर कल्चर हैज़ क्रिएटेड, दैट वी डोंट बिकम वल्नरेबल, वी डोंट यू नो बिकम सो हार्टलेस, बिल्कुल अजीब से हो जाना, बिल्कुल वैसे हो जाना, या बिल्कुल इमोशनलेस हो जाना, राइट। मतलब हमारे अंदर हमारी जो मतलब सीक्रेटनेस है वो रहनी चाहिए, हमारे अंदर जो हमारी यूनिकनेस है वो रहनी चाहिए, हमारी जो मतलब इमोशंस है वो प्योर होनी चाहिए, राइट। तो आजकल क्या होता है कि लोग पहले डेट करते हैं फिर प्यार करते हैं, पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं फिर इमोशनल रिलेशनशिप बनाते हैं। बट गाइज, लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर इन ए फिजिकल रिलेशनशिप, यू आर गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व टू, एंड द पीपल हु थिंक दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, दे आर जस्ट ब्रिंग फॉर देयर नीड्स, दे आर रॉन्ग, दैट विल नेवर मेक यू हैप्पी। वो आपको कहीं से भी खुशी नहीं देगी, आप खुद को ही हर्ट करोगे, आप अपने लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं। जब आप मैरिज करोगे और जो एक्चुअल फील होता है, यू नो डू विद योर पार्टनर
or intimate with your partner. Is the real feel. Yeah, that point of time you will be like, this is so common. उस चीज की कोई value ही नहीं रह जाएगी. Would feel extra special जो होता है वो आपको नहीं मिलेगी. जिसके साथ आप अपने लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे वो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे. या दिस इज माई होल पॉइंट टू कमिंग एंड टेलिंग यू पीपल दैट मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप शुड बी वन. इट इज मेंट दैट वे, राइट? या आजकल सब ओपन माइंडेड हो गए हैं, सब ब्रॉड माइंड. इट इज एब्सोल्युटली टू कूल टू डू दैट, बट फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस, फॉर द सेक ऑफ योर अनसेटिस्फैक्शन. फर्स्टली एंड लास्ट मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं ये सारी बातें करूँ, बट आई नीडेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू पीपल बिकॉज आई थिंक दिस अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड. वी लिव इन कूल जनरेशन, चिल जोन, बट सी आर हिंदी उसमें गिवन अस सम वैल्यूज एंड मॉरल्स विथ लॉजिक. आजकल क्या होता है कि लोग वैल्यूज़ को बता देते हैं जो रटे रहते हैं वो, और उनके उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो नहीं बता. वाई दिस वैल्यूज एंड मॉरल्स आर कैप्टेड इन आवर कल्चर, राइट? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कजन्स सबके साथ ये वीडियो शेयर कर. हाँ, आपका क्या व्यूज़ है इसके ऊपर आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, राइट? आपकी क्या व्यूज़ है इसके ऊपर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.